अच्छा, आज हम बनाने वाले हैं कलकत्ता की फेमस स्ट्रीट साइड घुगनी चाट। इफ यू लाइक माय रेसिपी प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, टर्न ऑन द पोस्ट नोटिफिकेशंस, शेयर माय वीडियो एंड लाइक आल्सो। चलो इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। इसके लिए हमको चाहिए उबले हुए पीले मटर जो मैंने 2-3 घंटे भिजाए थे और फिर 3-4 सीटी की कुकर में उबाले थे, चॉप्ड अनियन, चॉप्ड पोटैटो, कोरिएंडर, ग्रेटेड अदरक, चॉप्ड टमाटो, स्लाइस्ड अदरक, जीरा पाउडर, हल्दी, ग्रीन चिली, ब्लैक सॉल्ट, सॉल्ट, इमली की चटनी, लेमन जूस एंड ऑयल। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे और तेल को गर्म होने देंगे। अब हम डालेंगे हमारे अनियंस, अब हम इसको सॉटे कर लेंगे। अब हम डालेंगे अपने जिंजर, ग्रीन चिलीज, टमाटोज, हल्दी, सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, अब हम इसको कुक कर लेंगे। अब हम इसमें जीरा पाउडर डालेंगे। आप ग्रीन चिली और सॉल्ट अपने हिसाब से प्लस माइनस कर सकते हैं। और अब हम इसको ढक्कन लगा के पका लेंगे। हमारे टमाटर पक गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे हमारे पीले मटर। थोड़ा सा पानी। अब हम इसको ढक के कुक कर लेंगे। जितने हमारे मटर पक रहे हैं, हम आलू की टिक्की बना लेते हैं। वी नीड 7 to 8 बॉइल्ड पोटैटोज, चॉप्ड ग्रीन चिली, रेड चिली फ्लेक्स, जीरा पाउडर, ब्लैक सॉल्ट, सॉल्ट, मिंट लीव, वी कैन ऑल्सो यूज कोरिएंडर, लेमन जूस एंड राइस फ्लावर। सो फर्स्ट वी विल टेक आर बॉइल्ड पोटैटोज, वी विल एड आर ग्रीन चिलीज, रेड चिली फ्लेक्स, जीरा पाउडर, ब्लैक सॉल्ट, सॉल्ट, मिंट लीव्स, लेमन जूस एंड आर राइस फ्लावर। नाउ वी विल मैश दिस एंड वी विल मेक अ डो। इफ यू डोंट हैव राइस फ्लावर, यू कैन ऑल्सो टेक राइस एंड चर्न इट इन टू द मिक्सर ग्राइंडर, सो दैट विद द हेल्प ऑफ द राइस फ्लावर द आलू की टिक्कीज विल बी क्रिस्पी। आवर डो इज रेडी, नाउ वी विल मेक टिक्कीज। नाउ वी विल मेक ऑल ऑफ आवर टिक्कीज विद द रेस्ट ऑफ आवर डो। Our tikkis are ready. Now we will fry them. So we will heat our oil first.
our oil is warm. Now we will put our tikki inside and we will fry them until they are golden brown. Tikkis are golden brown. Now we will take them out. Now I will see how crispy our tikkis are. देखिए bubbles आ गए हैं. अब हम इसमें कटे हुए आलू डालेंगे. ये ऑप्शनल है, आपको डालना है तो डाल सकते हैं, वरना नहीं भी डाल सकते हैं. मिक्स कर लेंगे. हम इसमें मिक्स करेंगे नींबू का रस. ये करीब करीब 2 नींबू का रस है, आप चाहे तो कम बेसी कर सकते हैं. हम इसमें मिक्स करेंगे नींबू का रस. ये करीब करीब 2 नींबू का रस है, आप चाहे तो कम बेसी कर सकते हैं. देखिए हमारे चाट तैयार है, इसमें बबल्स आ गए हैं. अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और हमारी टिक्की भी तैयार है. अब हम इनको प्लेट करेंगे. तो पहले मैं यहाँ पे एक टिक्की डालूंगी और फिर हमारी चाट. अब हम इसको गार्निश करेंगे थोड़े से स्लाइस जिंजर के साथ, कोरिएंडर, और थोड़ा सा सेव और हमारी इमली की चटनी. हमारी घुगनी चाट तैयार है. इफ यू लाइक माई रेसिपी प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड यू मस्ट ट्राई दिस रेसिपी, इट इज वेरी टेस्टी.